हेलो गाइस, वेलकम टू एप्लेक्स टेक्निकल क्लासेस कोटा। मैं यहाँ पे आपको पर्ट सीपीएम का पार्ट फोर्थ लेके आया था। अभी तक मैंने तीन पार्ट्स में आपको पर्ट सीपीएम के डिफरेंसेस के बारे में बताया था और नेटवर्क डायग्राम के बारे में बताया था। अब जो पर्ट है उसके बारे में एक न्यूमेरिकल यहाँ पे मैं करवाऊंगा, उसमें प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे और कंप्लीशन टाइम दोनों ही मैंने इस क्वेश्चन में डाले हैं और दोनों को ही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। मेरे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें जो क्वेश्चन स्टार्ट है वो ये कि एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जो पर्ट एनालिसिस में हमें दिया हुआ है, तो उसकी कुछ एक्टिविटीज हैं, यहाँ पर एक्टिविटीज हैं, प्रोड्यूसर्स हैं और ये थ्री टाइम एस्टिमेट्स दिए हुए हैं। मैंने पिछले पार्ट्स में आपको बताया था कि पर्ट में कितने टाइम एस्टिमेट होते हैं, तीन टाइम एस्टिमेट होते हैं, तो वही हमें दिए हुए हैं यहाँ पे। तो देखो एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पे, प्रोड्यूसर्स दिए हैं और ये टाइम एस्टिमेट दिए हुए हैं। और प्रोबेबिलिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें जेड की वैल्यू डिपेंड जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो जेड क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो इस जेड का कॉरस्पॉन्ड प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है। तो दो क्वेश्चन है इसमें। पहले क्वेश्चन में क्या, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द जॉब विद इन 32 डेज। इट मीन्स कि हमें 32 डेज में जॉब के कंप्लीट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो कैलकुलेट करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन कंप्लीशन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% प्रोबेबिलिटी। सेकंड क्वेश्चन को दोबारा देखो कि 50% प्रोबेबिलिटी के लिए कितना टाइम हमें चाहिए वो कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे कुछ चीजें मैं बता देता हूँ जो मैंने पिछले पार्ट्स में बताई हुई है तुम्हें, कि ये जो तीनों टाइम एस्टिमेट होते हैं ये तो होता है टी नॉट, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम। मैंने एक और टाइम बताया था आपको टीई। टीई क्या होता है, एक्सपेक्टेड टाइम। और इसके बारे में जब मैंने बताया था तो इसकी डेफिनेशन बताई थी, व्हाट इज एक्सपेक्टेड टाइम। एक्सपेक्टेड टाइम इज द टाइम एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द जॉब इज 50%। एक्सपेक्टेड टाइम वह टाइम होता है जिसमें किसी भी जॉब को या किसी भी टास्क को, किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट होने के जो चांसेस होते हैं वो कितने होते हैं, 50% होते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है कि 50% प्रोबेबिलिटी पे कितना टाइम होगा, तो वो कितना टाइम होगा, एक्सपेक्टेड टाइम होगा। अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी की बात करता हूँ तो वो टीई होगा, लेकिन मैं अगर पूरे प्रोजेक्ट की बात करता हूँ तो वो जो कंप्लीटिंग होगा हमारा प्रोजेक्ट वही उसका एक्सपेक्टेड टाइम कहलाएगा, जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम से हम कैलकुलेट भी करते हैं। तो ये क्वेश्चंस तो सिंपली हो जाएगा, तुम नेटवर्क डायग्राम बना लोगे, उसमें जो टाइम निकल के आएगा वही हमारा एक्सपेक्टेड टाइम होगा और वही हमारा आंसर सेकंड होगा। अब हमें 32 डेज के लिए प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो उसका जो मैंने प्रोसीजर बताया था उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे को सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम बनाना है। उस नेटवर्क डायग्राम के लिए मेरे को हर एक्टिविटी के लिए एक्सपेक्टेड टाइम की वैल्यू चाहिएगी और क्या चाहिएगा, मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा चाहिएगा। तो इसीलिए मैं सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम बनाने से पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे आई विल फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर ईच एक्टिविटी। एक्सपेक्टेड टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था कि एक्सपेक्टेड टाइम टी ई इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सपेक्टेड टाइम, टी ई इज इक्वल टू टी नॉट प्लस 4TM प्लस टीपी divided by 6. This is the formula of expected time and the formula of standard deviation sigma is equal to tp minus t naught divided by 6. मैंने यहाँ पे आपका solution part start कर दिया है, तो आपको solution parts में क्या करना है, इस table को दोबारा बनाना है और इस table के साथ हमें क्या दो चीजें और ऐड करनी है, एक तो TE और सिग्मा। ठीक है, क्यों ऐड कर रहे हैं हम, क्योंकि मेरे को इनकी जरूरत पड़ेगी आगे जब मैं नेटवर्क डायग्राम बनाऊंगा, तो नेटवर्क डायग्राम में मेरे को TE की वैल्यू पे हमें पता चाहिए। अब देखो यहाँ पे TE कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो अगर मैं एक्टिविटी पी के लिए TE की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी, एक्टिविटी पी के लिए एक्सपेक्टेड टाइम कितना होगा, वो किस पे डिपेंड है, तीनों टाइमों पर डिपेंड है। तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, T not 3 plus 4TM 24, 24 plus 3 27 और 9 36, 36 divided by 6 कितने हो जाएंगे, 6. Similarly मैं सारी एक्टिविटीयों के लिए एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट कर सकता हूं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप इसे एक बार क्रॉस पॉज करके पहले आप कैलकुलेट करो, फिर मेरे आंसर चेक कर लेना, क्रॉस चेक भी हो जाएगा आपको। तो सेकंड एक्टिविटी के लिए आएगा 7.5, नेक्स्ट के लिए आएगा 5.5, देन 3, देन 13.5, देन 4, then 6, then 7.5 and then 16.
सिमिलरली मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा फॉर ईच एक्टिविटी, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू टीपी माइनस टी नॉट डिवाइड बाई सिक्स. फॉर एक्टिविटी पी, टीपी इज 9, टी नॉट इज 3. 9 माइनस 3 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1. एंड सोन मीन्स मेरे को क्यू आर एस सारी एक्टिविटियों के लिए क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है. तो आप वापस चेक कर लेना, मैं इनको डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसी फॉर्मूले से सारी एक्टिविटियों के हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने हैं. तो ये आएगा आपका 0, 1.5, 1, 2.0, 1.5 एंड देन 4.0. तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. जिसको दिक्कत अगर आ रही है तो मेरे पिछले वीडियो देख लो आप, ज़्यादा बड़े वीडियो भी नहीं है, इजीली आपको फाइंड आउट हो जाएगा और इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो उनको पहले देख लेना फिर इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है. अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक हमने कर दिया, तो हमने क्या निकाल लिया, एक्सपेक्टेड टाइम एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ईच एक्टिविटी. अब हमें क्या करना है, नेटवर्क डायग्राम बनाना है. तो नेटवर्क डायग्राम मैंने फर्स्ट दो वीडियोस जो है उनमें नेटवर्क डायग्राम के बारे में बता रखा है, नेटवर्क डायग्राम बनाना है, बना भी रखा है हमने. तो वही से हम क्या करेंगे, नेटवर्क डायग्राम. तो मैं इस पार्ट को रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, कि यहाँ से मेरे को नेटवर्क डायग्राम बनाना है. तो आप नेटवर्क डायग्राम अगर आप चाहो तो आप पहले नेटवर्क डायग्राम अपने हिसाब से बना के देख लो, फिर मेरे जो नेटवर्क डायग्राम है उसे क्रॉस चेक कर भी सकते हो. और अगर मेरे साथ देखना चाहते हो तो यहाँ पे मैं नेटवर्क डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ. तो जैसे जैसे हमें स्टार्ट करना है, मतलब जो चीज़ें जैसे डिपेंड है, जिस पर डिपेंड है उसी हिसाब से हमें चलते हुए जाना है. हमें रफ करने की जरूरत पड़ेगी बार बार, मैंने पहले भी बताया था कि इसे रफ पेज में ही आपको नेटवर्क डायग्राम को बनाना है. तो एक बार मैं लॉजिक ऑफ द नेटवर्क आपको समझा देता हूँ कि क्या लॉजिक ऑफ द नेटवर्क होगा हमारा. जो एक्टिविटी पी है उसका प्रीडिसर्स कौन है, कोई भी नहीं है. मतलब एक्टिविटी पी क्या है, प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रही है. प्रीडिसर्स का मतलब होता है कि उसके पीछे चलने वाली एक्टिविटी कौन है, मतलब उससे पहले कौन सी थी, उसके बाद ये स्टार्ट होगी. तो इसका कोई प्रीडिसर्स नहीं है, मतलब पहले कोई एक्टिविटी नहीं थी इसके, इसलिए एक्टिविटी पी क्या है, स्टार्टिंग एक्टिविटी है. सिमिलरली एक्टिविटी एस और एक्टिविटी यू भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाली एक्टिविटी है. तो हमें इतना सा तो पता लग गया कि स्टार्ट में कितनी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है एक साथ, पी एस और यू. ठीक है, उसके बाद जो क्यू एक्टिविटी है वो पी और टी पे डिपेंडेंट है. मतलब क्या है कि पी और टी प्रीडिसर्स हैं क्यू एक्टिविटी के लिए. इट मीन्स पी और टी जब कंप्लीट हो जाएंगे आफ्टर देन क्यू एक्टिविटी स्टार्ट होगी, इससे पहले क्यू एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो सकती. सिमिलरली सो ऑन. अब मैं आपको यहाँ पे अगर स्टार्ट करता हूँ तो आप बताओ मेरे को स्टार्टिंग में मेरे को प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए कितनी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, तीन एक्टिविटी स्टार्ट करनी है. कौन कौन सी एक्टिविटी तीन स्टार्ट करनी है, एक तो पी, देन एस एंड देन यू. अब धीरे धीरे करके आप चलते चलो यहाँ से, कि क्यू जो एक्टिविटी है वो पी और टी पे डिपेंड है, मतलब पी और टी से स्टार्ट होगी. लेकिन यहाँ पे पी है, हमारे पास टी है नहीं, तो हम क्यू भी स्टार्ट नहीं करेंगे. आगे पहले देख लेते हैं और रिलेशनशिपों को, फिर वापस देख लेंगे हमें. आर जो एक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड है, क्यू पे डिपेंडेंट है. टी एक्टिविटी जो है वो एस पे डिपेंड है. तो यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ से क्या कर सकता हूँ, टी एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकता हूँ, जो कि किस पे डिपेंड है, एस पे डिपेंड है. लेकिन एक चीज देखो आप, कि जो क्यू एक्टिविटी है वो पी और टी दोनों पर डिपेंड है. आप जब क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे तब धीरे धीरे करके आप, मतलब आपको पता लगता जाएगा कि यार मेरे को यहाँ से ऐसे स्टार्ट करनी है चीजें. ठीक है, तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, कि जो एक्टिविटी क्यू है वो पी और टी दोनों पर डिपेंड है ना. इसका मतलब क्या है, जो पी और टी को अगर मैं एक ही नोड पे मिला दूं, अगर मैं टी को यहाँ पे मिला देता हूँ, एक ही नोड पे मिला देता हूँ, और यहां से अगर मैं क्यू एक्टिविटी को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, सॉरी क्यू एक्टिविटी को इसके ऊपर लिखता हूँ, यहाँ से मैं क्यू एक्टिविटी को स्टार्ट करता हूँ, तो क्या मतलब हुआ इसका, कि एक्टिविटी क्यू इज डिपेंडेंट ऑन पी एंड टी. ठीक है, देन आर जो है वो क्यू पे डिपेंड है, तो क्यू से एक और एक्टिविटी स्टार्ट कर दूंगा मैं यहाँ पे आर. उसके बाद W जो एक्टिविटी है वो S पे डिपेंड है, और Y जो एक्टिविटी है वो भी किस पे डिपेंड है, S पे डिपेंड है. तो मतलब जो W और Y है वो दोनों ही S से निकल रही है, मतलब S पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब S से निकल रही है. तो W ऐसे करके निकाल सकते हो आप,
जो आपको अच्छा तरीका लगे उस हिसाब से हम निकाल लेंगे। अभी हमने सिर्फ निकाल लिया, हमें और बेटर वे में इसे बनाना पड़ेंगे। एक और चीज हमारे पास रह रही है यहाँ पे, क्या कि जो एक्टिविटी जेड है वो यू और डब्ल्यू पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्टिविटी यू और डब्ल्यू है उसको अगर हम एक ही नोड पे मिला दें तो हम वहां से एक एक्टिविटी जेड को निकाल सकते हैं। तो इसलिए मेरे को अगर मैं इस डब्ल्यू, जैसे मैंने पी एक्टिविटी को, पी और टी को एक ही नोड पे मिलाया था, सिमिलरली मैं यू और डब्ल्यू एक्टिविटी को एक ही नोड पे मिलाऊंगा और यहां से कौन सी एक्टिविटी में निकाल दूंगा, एक्टिविटी जेड में निकाल दूंगा। तो यहां से मैं क्या करूंगा, इस डब्ल्यू को यहां ना ले जाके मैं इस नोड पे मिला दूंगा और यहां से मैं कौन सी एक्टिविटी निकाल दूंगा, एक्टिविटी जेड। तो हमारे पास एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, नेटवर्क डायग्राम भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नहीं कंप्लीट हुआ, क्यों नहीं हुआ, मैंने जब बताया था नेटवर्क डायग्राम में तो बताया था कि जब नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट हो जाए तो वो क्लोज होना चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, क्लोज नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसे क्लोज करना है। मतलब क्या है इसका, कि एक्टिविटी आर, जेड और वाई जो एक्टिविटी है उनको अगर मैं एक ही नोड पे मिला देता हूँ तो हमारा नेटवर्क डायग्राम क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो उनको एक ही नोड पे मिला दो, मतलब इस तीनों नोडों को मिला के कंबाइन करके क्या कर दो, एक ही नोड कर दो। तो कैसे करेंगे एक नोड, देख लो यहाँ पे कि यहां से तो मेरे को क्या निकालना है, एक्टिविटी कौन सी थी, ये डब्ल्यू एस से जो निकल रही थी, टी डब्ल्यू और वाई, टी डब्ल्यू और वाई एक्टिविटी वाई थी यहां पे। अब मेरे को क्या करना है, इस एक्टिविटी जेड को यहां पे मिला देना है और इस एक्टिविटी आर को भी मेरे को क्या करना है, यहां पे लगना है। अब हमारा नेटवर्क डायग्राम क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा नेटवर्क डायग्राम इस पर्ट एनालिसिस के लिए। आप और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना, नेटवर्क डायग्राम बनाने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर नेटवर्क डायग्राम तुम सही बनाते हो तो समझो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, 80% क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है अगर आपने नेटवर्क डायग्राम सही बनाया है तो। अगर नेटवर्क डायग्राम नहीं बनाया तो पूरा क्वेश्चन गलत है तुम्हारा, क्योंकि नेटवर्क डायग्राम पे ही चीजें डिपेंड करती हैं। तो मैं यहाँ पे जब मैंने तुम्हें एक्टिविटी बताई थी तो उसका एक सैम्पल बताया था कि एक्टिविटी को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, हम टाइम लिखते हैं। ऊपर मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया, नीचे क्या आएगा, टाइम आएगा। तो एक्टिविटी पी का कौन सा टाइम आएगा, जो मैंने एक्सपेक्टेड टाइम आपको कैलकुलेट किया। तो एक्टिविटी पी के लिए जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो कितना है, 6। एक्टिविटी क्यू के लिए एक्सपेक्टेड टाइम कितना है, 7.5। और एक्टिविटी आर के लिए जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो है 5.5। ठीक है, एक्टिविटी एस के लिए जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो है 3। एक्टिविटी यू के लिए जो एक्सपेक्टेड, सॉरी, टी के लिए एक्सपेक्टेड टाइम है 13.5। टी कहां पे, यहां 13.5। एक्टिविटी यू के लिए जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो है 4। एक्टिविटी डब्ल्यू के लिए जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो है 6। डब्ल्यू के लिए कितना है, 6। एक्टिविटी वाई के लिए 7.5 एंड एक्टिविटी जेड के लिए 16। तो ये क्या है, हमारे एक्सपेक्टेड टाइम है यहाँ पे। अब मेरे को क्या करना है, दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो टीई और एक टीएल। टी मतलब अर्लीएस्ट एक्सपेक्टेड टाइम और टीएल मतलब लेटेस्ट अलाउबल टाइम। मैंने बताया था तुम्हें फॉरवर्ड पाथ मेथड और बैकवर्ड पाथ मेथड से। तो सबसे पहले मेरे को टीई कैलकुलेट करना है, तो मेरे को यहाँ पे टीई नहीं दिया हुआ फर्स्ट नोड के लिए, तो मैं कितना मान लेता हूँ, यहाँ पे 0 मान लेता हूँ। यहां से मेरे को फॉरवर्ड पाथ मेथड से क्या कैलकुलेट करना है, टीई कैलकुलेट करना है। तो एक बार मैं नंबरिंग कर देता हूं इवेंट की, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6। ठीक है, तो मेरे को टीई कैलकुलेट करना है, तो 0 और 3 कितने होते हैं यहां पे, 3। 0 और 6 कितने हो जाएंगे, 6। लेकिन मैंने क्या बताया था कि जो मैक्सिमम होता है वो लेते हैं। तो इस नोड पे दो एक्टिविटी आके मिल रही हैं, पी और टी। तो इन दोनों में हम चेक करेंगे 13.5 और 3 कितने होते हैं, 16.5। और 6 और 16.5 में से मैक्सिमम कितना है तुम्हारा, 16.5। सिमिलरली 0 और 4 4 और 3 और 6 9। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसके बाद 16.5 एंड 7.5 कितना आता है, 24। सिमिलरली और उसके बाद यहाँ पे आ गया तुम्हारा 3 और 7.5 10.5, 9 और 16 25, 24 और 5.5 29.5। मैक्सिमम कितना आ रहा है, 29.5। तो क्योंकि
इस जो इवेंट है 6, इस पे तीन एक्टिविटी आपको मिल रही है, तो इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही हम क्या लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद अब मेरे को बैकवर्ड पाथ मेथड से टीएल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो टीएल के लिए यहाँ पे क्या करूंगा, मैं 29.5 पहले रखूंगा, फिर यहाँ से मैं बैकवर्ड पाथ मेथड से आऊंगा और मैं क्या करूंगा माइनस करता हुआ चलूंगा, तो 29.5 में से 5.5 माइनस की तो कितने आ गए 24। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि जिस नोड पे हम दो चीजें आके मिल रही हैं तो वहां पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मिनिमम वैल्यू लेके चलते हैं, तो 24 में से 7.5 माइनस किए तो 16.5। लेकिन जब मैं नोड 2 की बात करता हूँ तो बैकवर्ड पाथ मेथड से जब आऊंगा तो इस नोड पे एक टी एक्टिविटी आगे मिल रही है, बैकवर्ड पाथ मेथड से वाई एक्टिविटी आगे मिल रही है और यहाँ से डब्लू। इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वही हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 29.5 में से 16 जब मैं माइनस करता हूं तो ये वैल्यू जो आती है मेरे पास 29.5 में से 16 ये आएगी 13.5। कितनी आएगी 13.5। अब यहाँ पे चेक कर लो, 16.5 में से 13.5 माइनस किया तो 3, 7.5 सॉरी 29.5 में से 7.5 माइनस किया तो 3 से तो ज्यादा ही आएगा, सिमिलरली 13.5 में से 6 माइनस किया ये भी 3 से ज्यादा ही आएगा, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। अब सिमिलरली यहाँ पे ये एक्टिविटी वापस आगे मिल रही है, ये भी मिल रही है, ये भी मिल रही है, तो इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वही हमारे पास क्या होगा एग्जैक्ट वैल्यू कहलाएगी। 16.5 में से 6 माइनस करो 3 में से 3 माइनस करो 0, 13.5 में से 4 माइनस करो तो मिनिमम क्या आएगा 0 आएगा। और तुम्हारा क्रॉस चेक भी हो जाता है कि अगर ये वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब जो हमने कैलकुलेशन किया वो सही है, अगर 0 नहीं आ रही है तो इसका मतलब तुमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया, उसे वापस आप चेक कर लेना, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इजीली कैलकुलेट करते हो, आराम से कैलकुलेट करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताओ मेरे को जो बी क्वेश्चन था उसका क्या आंसर होगा, या फिर बी क्वेश्चन क्या था, तो क्या था डिटरमाइन द कंप्लीशन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या है इसका कि प्रोजेक्ट वो कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा 50% चांसेस में। तो मैंने क्या बताया था, जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम होगा वही हमारा 50% चांस होता है, तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है ये टाइम, ये जो टाइम होता है ये क्या कहलाता है हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम होता है। तो जो बी क्वेश्चन है उसका आंसर कितना हो जाएगा 29.5 डेज। ये क्या पूरा लिख देना कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 29.5 डेज, या पूरी लाइन लिख देना इसमें, इसमें कोई दिक्कत 29.5। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि मतलब जो टीई होता है वो क्या कहलाता है, 50% प्रोबेबिलिटी पे जो टाइम लगता है वही हमारा टीई होता है। तो अगर तुमसे 50% प्रोबेबिलिटी पे पूछता है तो डायरेक्टली जो कंप्लीशन टाइम होगा वही हमारा क्या होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि डिटरमाइन द कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम क्या, वही जो निकाला वही हमारा कंप्लीशन टाइम, इसको ऐसे भी पूछ सकता है। लेकिन जो एक पार्ट है उसमें क्या पूछा है कि 32 डेज के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी कंप्लीट होने के लिए, तो 29.5 डेज में जब कंप्लीट हो रहा था 50% चांस है कि कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 32 डेज 29.5 के बजाय 32 डेज में हो रहा तो चांसेस हमारे ज्यादा होंगे, तो कितने ज्यादा होंगे 50% से ज्यादा होंगे। तो वो निकालने के लिए मैंने प्रोसीजर जो तुम्हें बताया था, तो बताया था कि सिग्मा कैलकुलेट करते हैं अलोंग क्रिटिकल पाथ, उसके बाद जेड बराबर क्या फॉर्मूला होता है टीएस माइनस टीई डिवाइड बाय सिग्मा, उसके बाद फिर जेड के कॉरेस्पॉन्डिंग हम प्रोबेबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो मेरे को सबसे पहले यहाँ पे क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना है। व्हाट इज क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ टाइम वाइज, मतलब टाइम वाइज जो पाथ लॉन्गेस्ट होगा वही हमारा क्या कहलाएगा क्रिटिकल पाथ कहलाएगा। कितने पाथ है एक बार मैं बता देता हूं आपको, 1, 2, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 5, 6, 1, 2, 4, 6 और 1, 4, 6। शायद 5 हमारे पास क्या है क्रिटिकल, सॉरी 5 टोटल पाथ हैं जिनसे हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करा सकते हैं, लेकिन इनमें से मोस्ट क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा, या फिर क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा जिस पाथ के अलोंग सबसे ज्यादा टाइम हमें लग रहा है। अगर मैं जैसे कि कैसे कैलकुलेट करता है, अगर मैं इस पाथ के अलोंग बात करूं 1, 2, 6 के लिए, तो 3 और 7.5 10.5 लग रहा है, ऐसे ही हमें चेक करना होता है। लेकिन तुम्हें चेक करने का एक मैं तरीका बता देता हूं जो मतलब जल्दी हो जाएगा तुम्हारा, जिस पाथ के अलोंग ये जो टी एस और टी ई की वैल्यू सेम सेम आती है वही हमारा मोस्ट क्रिटिकल पाथ कहलाता है।
मैं अगर ये वैसे तो A1, 3, 5, 6 के अलोंग भी क्या आ रही है, ये सेम आ रही है, लेकिन इसमें मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या ये हमारा लॉन्गेस्ट पाथ है टाइम वाइज। तो 6 और 7.5 13.5 एंड 5.5 19, मतलब ये हमारा क्या है मोस्ट क्रिटिकल पाथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 19 आ रहा है, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ रही। तो किस पाथ के अलोंग बात करता हूँ मैं, 1, 2, 3, 5, 6 को चेक करता हूँ, 3 एंड 13.5 16.5 एंड 7.5 24 24 एंड 5.5 कितने हो गए 29.5। तो क्रिटिकल पाथ कितना आ जाएगा हमारे पास, 1, 2, 3, 5 एंड 6, क्योंकि और कोई भी पाथ देख लो सबके पास जो हमारे पास वैल्यू है वो मतलब टाइम की जो वैल्यू है वो क्या है कम है। अब अगर क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें मोर देन वन क्रिटिकल पाथ हो, मतलब एक से ज्यादा क्रिटिकल पाथ हो, मतलब एक तो हमारे पास ये मिल गया, सपोज एक ये भी मिल जाता है जिसमें भी हमारे पास 29.5 डेज हो रहे थे, तो उस केस में हम दोनों पाथों के अलोंग स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एज पर सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो मैंने फॉर्मूला बताया था। उसमें से जो जिस पाथ के अलोंग सिग्मा की वैल्यू मैक्सिमम होगी वही हमारा क्या कहलाएगा, मोस्ट क्रिटिकल पाथ कहलाएगा। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले क्रिटिकल पाथ एक क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पे, इसमें क्या क्रिटिकल पाथ कौन सा हो जाएगा, क्रिटिकल पाथ इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5 एंड 6, ये क्या हमारा क्रिटिकल पाथ है। तो हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिग्मा अलोंग क्रिटिकल पाथ, सिग्मा 1, 2, 3, 5, 6 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, सिग्मा 1, 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2, 3 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3, 5 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 5, 6 का स्क्वायर। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं जो बोल रहा हूँ ना उस हिसाब से आप लिख लेना, सिग्मा 1, 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2, 3 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3, 5 स्क्वायर प्लस सिग्मा 5, 6 स्क्वायर स्क्वायर रूट होल। अब देखो यहाँ पे सिग्मा 1, 2 मतलब है जो 1, 2 एक्टिविटी 1, 2 कौन सा, एक्टिविटी एस का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक्टिविटी एस का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, एक्टिविटी एस का स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे पास कितना कैलकुलेट किया था हमने, एक्टिविटी एस का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना कैलकुलेट किया था, 0। एक्टिविटी 2, 3 का मतलब क्या है, एक्टिविटी टी, एक्टिविटी टी का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना कैलकुलेट किया था हमने, 1.5 का स्क्वायर। एक्टिविटी 3, 5 एक्टिविटी कौन सी है, क्यू, और क्यू का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था हमने, 0.833 का स्क्वायर। और एक्टिविटी 5, 6 कौन सी है, आर, आर का स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने कितना कैलकुलेट किया था, 0.833 का स्क्वायर। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो सिग्मा की वैल्यू आएगी हमारे पास 1.905। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, सिग्मा की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्रिटिकल पाथ के अलावा यहां तक समझ में आ गया, हमने क्या किया अभी सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट किया। उसके बाद जो हम जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो जेड का क्या फॉर्मूला होता है, जेड इज इक्वल टू स्टेप सेकंड में जेड इज इक्वल टू टी एस माइनस टी ई अपॉन सिग्मा। अगर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ टी एस माइनस टी ई अपॉन सिग्मा, वेयर टी एस क्या होता है, शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम, मतलब जिस टाइम पे हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो टी एस की वैल्यू कितनी है, 32 पे कमिट कैलकुलेट करनी है, टी एक्सपेक्टेड टाइम कितना है 29.5 डिवाइडेड बाई सिग्मा की वैल्यू 1.905। तो जेड की जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट होके वो आएगी तुम्हारे पास 1.350 एक बार चेक कर लेना। अब हमारे पास जेड के अराउंड जो मैंने बताया था तुम्हें टेबल, और जो टेबल बताएगी या तो तुम्हें डायरेक्टली दे देगा टेबल में कि जेड का अराउंड कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो आप आंसर लिख देना। अगर इन बिटवीन दे तो आप इंटरपोलेशन करके कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे स्टील वगैरह में आपने या फिर 7th सेम में भी आपने इंटरपोलेशन काफी किए होंगे इन बिटवीन। ठीक है, तो अब मेरे पास लेकिन यहाँ पे थोड़ी मैंने अलग दिया है, क्या दिया है कि मैंने देखो तुम्हें बताया कि जेड बराबर -1.5 के लिए जो प्रोबेबिलिटी पी है वो कितनी दे रही है, 0.07 का मतलब है इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 7% प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूं यहाँ पे। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में क्या होता है,
कि अगर मेरे पास जैसे ये कर्व है, तो ये जो हमारे पास लाइंस हैं यहाँ पे, इनके अलोंग जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 100%। और ये क्या होता है, अगर मेरे पास प्लस माइनस 3 सिग्मा है, यानी कि ये माइनस 3 सिग्मा और ये प्लस 3 सिग्मा है, ठीक है, मतलब अगर माइनस में जो वैल्यू है और प्लस में वही वैल्यू है, उसके बीच में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 100% होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जेड इज इक्वल टू माइनस 1.5 के लिए प्रोबेबिलिटी अगर 0.07 है, तो जेड इज इक्वल टू प्लस 1.5 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0.93। परसेंटेज में निकालो तो 100 से मल्टीप्लाई करके 93%। सिमिलरली जेड इज इक्वल टू कितने पे दी हुई है, माइनस 1.3 पे प्रोबेबिलिटी दी हुई है कितनी, 0.10। तो जेड इज इक्वल टू प्लस 1.3 पे कितनी हो जाएगी, 0.90। वन में से क्या कर देना है, इसे माइनस कर देना है, तो जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब कितना है, 90%। हमें कैलकुलेट कितने के लिए करनी है, जेड इज इक्वल टू 1.350 के लिए, प्लस 1.350, तो प्लस 1.3 आ गया ना, तो प्लस 1.3 के लिए कितनी वैल्यू आ रही, 90%। तो यही हमारा क्या आंसर है, तो फॉर जेड इज इक्वल टू 1.3 प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 90%। अगर आपको और एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट करना है, तो देखो प्लस 1.3 के लिए 90% है, प्लस 1.5 के लिए 93% है, तो 1.350 के लिए आप इंटरपोलेशन करके इस वैल्यू को क्या कर सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन वो 90 के रेंज में ही आएगी, क्योंकि 90 के पास ही वैल्यू आएगी, और 1.5 के समथिंग होता तो वो 93 के पास होता, इसलिए अगर मैं पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट ले लेता हूं तो ये आंसर मेरा क्या है, सही आंसर है। तो यही है हमारा क्या, प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पर्ट एनालिसिस में। एक दो क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए मैं और दे दूंगा यहाँ पे, तो देखो एक क्वेश्चन, इसके बाद सेकंड पार्ट बचता है इसका सीपीएम का, सीपीएम में भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, उसको भी हम इजीली